आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हुजूर जी, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, ये मेरी जीत नहीं है, ये संत जी के आशीर्वाद की जीत है। रामेश्वर शर्मा संत हिरदाराम नगर में संत जी की कुटिया में आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा संत हिरदाराम नगर में संत जी की कुटिया पहुंचे। संत जी की समाधि पर माथा टेक आशीर्वाद लेने के बाद संत जी के शिष्य सिद्ध भाऊ से रामेश्वर शर्मा ने आशीर्वाद लिया। यहाँ सिद्ध भाऊ ने विधायक शर्मा से कहा कि आपने पिछले 5 साल में जो विकास कार्य किए हैं, अब इससे ज्यादा विकास कार्य करने की आवश्यकता है। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक रामेश्वर शर्मा का स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता एक जुलूस की शक्ल में विधायक शर्मा को नगर भ्रमण पर ले गए और जगह जगह लोगों ने रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की। जनता की कृपा और कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के बल पर हम लोगों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और मैं उम्मीद करता हूं कि संत जी का स्नेह आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहेगा और उनकी कृपा से हम जनहित के जो कार्य हैं, संत नगर के विकास के जो कार्य हैं, गरीबों के कल्याण के जो कार्य हैं, झुग्गियों को पक्के मकान में बदलने के जो काम हैं, गरीब के जनमानस को ऊंचा उठाने के काम हैं, उन सब कामों में नगर की सुरक्षा के जो काम हैं, चाहे हुजूर के संत हिरदाराम नगर हो, चाहे गांधीनगर हो, चाहे कुलार का हमारा क्षेत्र हो, चाहे होशंगाबाद रोड का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में समुचा विकास पहुँचे, इस विकास के लिए संघर्ष करना रामेश्वर शर्मा की जवाबदारी है। ये संघर्ष हम बढ़ चढ़ कर करेंगे और 24 आवर्स जनता के थे, जनता के हैं और जनता के बीच में ही रहेंगे। जुलूस में लोगों से मिलने के दौरान शर्मा ने कहा कि मेरी जीत नहीं, ये संत जी के आशीर्वाद की जीत है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये जीत विकास की जीत है। रामेश्वर शर्मा ने कहा, मेरे ऊपर संत जी की कृपा है और मुझे हमारे कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा था। दिन और रात मेहनत करके मेरे लिए जनसंपर्क में ये कार्यकर्ता खड़े रहे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।